मैं चंद्रकांता राजपुरोहित फिर हाजिर हूँ नई रेसिपी के साथ। और आज हम बनाने वाले हैं ब्रेड की क्रिस्पी पकौड़े, जो बहुत ही कम समय में बन के रेडी हो जाते हैं और बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी होते हैं। तो हम उसको बनाने की सामग्री देख लेते हैं पहले। तो यहाँ मैंने 5 व्हाइट ब्रेड लिए हैं और एक मीडियम साइज का टमाटर है बारीक बारीक चॉप कर लिया है, एक बड़ी साइज का प्याज है उसे भी बारीक बारीक काट लिया है, 2 चम्मच के करीब मैंने यहाँ पे टमाटर सॉस लिया है, 2 हरी मिर्च को बारीक बारीक काट लिया है, 1/4 बाउल के करीब चावल का आटा लिया है, जिसे चावल को पीस कर आटा तैयार किया हुआ आटा है, और 1/2 बाउल के करीब मैदा ले लिया है, और ये नमक या नमक हम टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। बाउल में पानी लिया जिसमें हम ब्रेड को डिप करेंगे, और कढ़ाई में हमने पकौड़ों को डीप फ्राई करने के लिए मूंगफली का ऑयल ले लिया है। तो हम बनाना शुरू करते हैं। हम ब्रेड लेंगे और उसे पानी में एक एक बार दोनों तरफ डिप कर लेंगे और इसे पूरी तरह से इसका पानी हम निकाल देंगे वापस। सारा पानी हमें निकाल देना है और बाउल में रखते जाएंगे। इसी प्रोसेस से हम सारे ब्रेड को रेडी कर लेंगे डिप करके। पानी हमको इसका सारा निकाल लेना है वापस। हमने सारे ब्रेड को सारे ब्रेड हमने डिप करके और निचोड़ के रेडी कर लिए हैं। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे, प्याज, टमाटर, हरी मिर्च ऐड कर देंगे हम, और इसमें टमाटो केचप भी डाल देंगे 2 चम्मच, और 1/4 कटोरी के करीब जो हमने चावल का आटा लिया था वो भी मिला देंगे इसमें। चावल के आटे से जो हमारे पकौड़े हैं बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। और हम 2 चम्मच के करीब मैदा डालेंगे, उसको एक बार मिक्स करके फिर हम थोड़ा सा और मिलाएंगे, एक साथ सारा नहीं मिलाएंगे क्योंकि लम्स हो जाते हैं। इसके अकॉर्डिंग हम नमक भी डाल देंगे। एक बार हम इन सबको मिक्स कर लेंगे, अगर इसमें पानी की हमें थोड़ी सी जरूरत पड़े तो ही हम यूज करेंगे, अगर जरूरत नहीं पड़ती है तो हम नहीं करेंगे। हमें इसका गाढ़ा बैटर बना के रेडी करना है। एक बार हम इन सबको हाथ से अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। और इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके मैदा मिलाते जाएंगे। एक बार हम बैटर को अच्छे से रेडी करके और नमक को टेस्ट कर सकते हैं, अगर हमें कम लगे तो हम थोड़ा सा मिला सकते हैं। हमारा बैटर बिल्कुल रेडी है, पानी की जरूरत हमें नहीं पड़ी है। अगर हमें पानी की जरूरत लगे तो हम इसमें 1-2 चम्मच पानी ऐड कर सकते हैं। हमारा मैदा थोड़ा सा रह गया वो भी हम मिला लेंगे इसमें। और हम ऑयल गर्म होने के लिए रख देते हैं। ऑयल हमारा एकदम अच्छा सा गर्म हो चुका है, हमें इसमें एक बार ऑयल को अच्छा गर्म कर लेना है, फिर उसको गैस को हम थोड़ा मीडियम कर लेंगे और हाथ को हम थोड़ा सा ऑयल से चिकना कर लेंगे ताकि जो बैटर है चिपके नहीं उंगलियों पे। और हम थोड़ा थोड़ा बैटर लेके पकौड़े बनाएंगे।
जितने आसानी से कढ़ाई में हमें तलने में इजी हो उतने ही हम एक बार में डालेंगे। पकौड़ों को हम दोनों तरफ से पलट पलट के अच्छी गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। ब्रेड के पकौड़ों की बहुत ही अच्छी महक आ रही है और बहुत ही सुंदर दिख रहे हैं हमारे पकौड़े। थोड़े से हम इसको और क्रिस्पी कर लेंगे हम इन्हें। पकौड़े हमारे बिल्कुल ये बन के रेडी हो गए हैं तो हम एक्स्ट्रा ऑयल जो है सारा निकाल लेते हैं। कड़छी को हम थोड़े से साइड में रखेंगे। बारिश का जो मौसम है उसमें पकौड़े बहुत ही टेस्टी लगते हैं, आप एक बार जरूर ट्राई करें, बनने में भी ज्यादा समय नहीं लगता है। इसी तरह हम सारे पकौड़े बना के रेडी कर लेंगे। पकौड़े का साइज हम अपनी पसंद से थोड़ा सा बड़ा या थोड़ा सा छोटा रख सकते हैं। हमारे ब्रेड पकौड़े बनके बिल्कुल रेडी हो गए हैं, हम सर्व करते हैं इन्हें। ये पकौड़े मैंने हल्के से थोड़े बड़े साइज के बनाए हैं। हमारे गर्मा गर्म ब्रेड के क्रिस्पी पकौड़े बनके बिल्कुल रेडी हैं, बहुत ही टेस्टी बनाए हैं, दिखने में बहुत सुंदर लग रहे हैं, बहुत ही क्रिस्पी है। एक बार आप ये जरूर बारिश के मौसम में बना के ट्राई करें, बहुत ही कम समय में बन के रेडी हो जाते हैं। मैंने इसे दही और टमाटो केचप के साथ सर्व किया है, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। इसे आप इमली की चटनी और हरी चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, उसके साथ भी ये बहुत टेस्टी लगते हैं। अगर आप इमली की चटनी और हरी चटनी की रेसिपी देखना चाहते हैं तो मैंने अपने चैनल पर डाली हुई है, आप सीकेआर किचन चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो इसे लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। मेरी पुरानी और आने वाली सभी नई रेसिपीज को देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक जरूर दें। और नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। और मेरे वीडियोस को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।